हाइप्लेक्स 2023 के दौरान प्लास्टिक टुडे के संपादक शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी ने इंडियन प्लास्टिक इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन अभय उपाध्याय से खास बातचीत की। सर, इंडियन प्लास्टिक इंस्टीट्यूट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से ये काम कर रहा है? इंडियन प्लास्टिक इंस्टीट्यूट बहुत जानी मानी संस्था है। ये 1985 में फॉर्म हुई थी, उससे पहले वो PRI के नाम से जानी जाती थी और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं हम लोग। ऑल इंडिया बेसिस पे 3000 प्लस मेंबर्स हैं, सारे प्रोफेशनल्स हैं, इसमें आप फैक्ट्री ओनर होना ज़रूरी नहीं है। और 14 चैप्टर्स है, 3 सब चैप्टर्स है, 2 इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं। पूरे देश में 14 चैप्टर, पूरे देश में 14 चैप्टर्स हैं जी। और सब चैप्टर्स है, जैसे नागपुर का सब चैप्टर अकोला हुआ, बैंगलोर का मैसूर yes, हुआ जी, जी जी। और एक नेपाल में भी एसोसिएट्स है, मतलब चैप्टर है, और एक श्रीलंका में भी है जी। हम लोग पूरे देश में सेमिनार्स करते हैं, एजुकेशन फैलाते हैं, नई नई डेवलपमेंट्स पे चर्चाएँ करते हैं और बच्चों के लिए बहुत काम करते हैं। मतलब पूरे देश में हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में 23 स्टूडेंट चैप्टर्स हैं, जिनको हम इंडस्ट्रियल विजिट्स पे ले जाते हैं, उनको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से लेक्चर दिलवाते हैं। पूरे साल शुरू होने से पहले HODs जो है मिलके हम उनसे पूरा टाइम टेबल तय करते हैं कि इस साल आपको कौन से सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट्स चाहिए, कब सूटेबल है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जी। जी सर, आपके गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन बनने के बाद किस तरीके की आपकी अपॉर्चुनिटी रही, किस तरीके से आपने इस एसोसिएशन को, इस इंस्टीट्यूट को मजबूत करने का काम किया है? देखो, कोविड के टाइम पे थोड़ा गड़बड़ हो चुका था और कुछ चैप्टर्स थोड़े ढीले पड़ गए थे, लेकिन अब फुल जोर से रिवाइवल में लगे हुए हैं और वो लोग भी काफ़ी सहयोग दे रहे हैं और हो सकता है तो इस साल के अंत तक कुछ ना कुछ छोटी मोटी एक्टिविटियाँ शुरू हो जाएगी हर एक चैप्टर में जी। जी सर, चूँकि आप MIFA सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के भी डायरेक्टर हैं, तो आप अपनी कंपनी के बारे में क्या कहेंगे, किस तरीके की सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं? हम लोग देखो पिछले 30 साल से ऑटोमेशन में काम कर रहे हैं, मोस्टली मशीनरीज वालों के साथ काम करते हैं हम लोग। विंडसर हुआ, राजू हुआ, मिलाक्रॉन हुआ, ऐसे छोटे मोटे जितने भी अहमदाबाद के आसपास मशीन मैन्युफैक्चरर है या पूरे देश में भी कुछ कुछ एजेंसियां हैं हमारी, तो मशीन ऑटोमेशन में काफ़ी काम करते हैं हम लोग। प्लास्टिक के अलावा हम लोग फार्मा में हैं, डाइज एंड केमिकल्स में हैं, पेट्रोकेमिकल्स में हैं, डेयरी इंडस्ट्री में है, क्योंकि ऑटोमेशन एक ऐसा फील्ड है जो जिसको इंडस्ट्री से मतलब नहीं है, प्रोसेस से मतलब है जी। तो जहाँ प्रोसेस है वहाँ हम हैं जी। सो प्लास्टिक हालांकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्टिकल है अहमदाबाद में, क्योंकि अहमदाबाद में सारे मशीनरी वाले हैं जी, इसलिए प्लास्टिक्स एसोसिएशन मशीनरी वालों के थ्रू बढ़ा और फिर एक बड़ा सेगमेंट ऑफ बिजनेस प्लास्टिक से ही आता है जी, इसलिए हम लोग प्लास्टिक से भी काफ़ी क्लोजली जुड़े हुए हैं जी। सर, फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है कंपनी को लेकर के? फ्यूचर प्लानिंग में देखो, अब नई टेक्नोलॉजियाँ आ रही है, IoT बढ़ रहा है, इंडस्ट्री 4.0 ऑलमोस्ट सब जगह कॉमन हो चुका है, तो डेटा एक्विजिशन या नए कुछ ऐसे एवेन्यूज खुल रहे हैं जिनमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रेडिशनल तो चलते रहेंगे जी, लेकिन नए एवेन्यूज भी खुल के देखने पड़ेंगे जी। नया जनरेशन भी ज्वाइन हो चुका है तो वो भी अपनी आइडियाज़ लेके आएंगे जी। जी सर, गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन IPI के हिसाब से आप इस एसोसिएशन को, इस संस्थान को आगे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? देखो, मैं जैसे मैंने बोला कि ये कोई मतलब ओनर्स एसोसिएशन नहीं है जी, ये प्रोफेशनल एसोसिएशन है। जो भी प्लास्टिक से जुड़ा हुआ है, चाहे स्टूडेंट है या चाहे कर्मचारी है या जनरल मैनेजर है, मैनेजर है, उससे कोई लेन देन नहीं है, आप इसके मेंबर बन सकते हो। ये
प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन का भी एक फाउंडर मेंबर है जी, और काफ़ी काम कर सकते हैं हम। हम लोग आजकल फोकस कर रहे हैं एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़ोर शोर से। हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर जोशी, वो तो एनवायरनमेंट में मतलब बहुत ही ज़बरदस्त घुसे हुए हैं। वो अपने आप को कचरा मैन ही बोलते हैं और कश्मीर से लेके अरुणाचल तक आर्मी के भी कैंप में जाके उन्होंने बहुत सारा काम किया। कल ही मैं उनके साथ गया था यहाँ के जंगलों में, अमराबाद टाइगर रिजर्व में, वहाँ पे उनके बंदे जो काम कर रहे हैं, अजब काम कर रहे हैं उन्होंने। समीर जोशी के, समीर जोशी का एक यहाँ पे लड़का है अक्षय करके, वो खुद ऑलमोस्ट जा जा के पूरी टीम तैयार कर चुका है फॉरेस्ट ऑफिसरों के साथ मिल के। वाह। तो मतलब अब आप जंगल में देखो तो प्लास्टिक का नामो निशान दिखता नहीं है। वाह। पर लोगों से बहुत सीरियस अपील है कि प्लीज़ फेंकना बंद कर दीजिए। जी 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 जी। इतना गंद क्यों करते हैं हम लोग, समझ नहीं आता है ये। जी सर, इस एग्जिबिशन को हाइप्लेक्स को लेकर के क्या कहेंगे? आप 2-3 दिन से यहाँ पे हैं, क्या देखा क्या समझा, और एग्जिबिशंस को इस खास करके इस एग्जिबिशन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी अपनी क्या ओपिनियन है? मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा, विमलेश जी, अनिल रेड्डी जी, उन्होंने जो ज़बरदस्त मेहनत की है और हर एक चीज़ पे बहुत डिटेल से ध्यान देके सोच समझ के एग्जीक्यूट किया गया है। तो पूरी मेहनत रंग लाई है, वो दिख रही है, एग्जीबिटर्स भी बहुत खुश हैं, क्राउड भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है। सो एग्जीबिटर को और क्या चाहिए जी, धंधा मिलना चाहिए और प्रमोशन होना चाहिए, प्लस हजारों लोग मिले जी, नेटवर्किंग हो गई है। सो एक सक्सेसफुल शो मानता हूँ और अच्छी तरह से पेश किया है इन्होंने जी। सर, इस फोरम के माध्यम से आप इंडियन प्लास्टिक इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हजारों हजार लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करेंगे कि भाई थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन शुरू कर दीजिए। ये देश को काफ़ी, एक तो प्लास्टिक की नेगेटिविटी की बहुत ज़बरदस्त वो हो चुकी है इमेज, उसको सुधारने के लिए मदद कीजिए। और प्लास्टिक अगर बंद हो गया तो इस देश की 80% इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, ये इनको दिमाग में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप नाम रखिए, वो चीज़ पॉलीमर है, आप सिर्फ प्लास्टिक को प्लास्टिक मत गिनिए। आज टेक्सटाइल पूरा पॉलीमर है, रबर इंडस्ट्री पॉलीमर है, पेंट इंडस्ट्री पॉलीमर है, आपके प्रोफाइल्स, दरवाजे, सब कुछ जो भी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं वो सब पॉलीमर है। तो आप किसको बंद करोगे? मतलब पॉलीमर आधा करोगे, बंद करने की बातें करते हो तो इस देश की जीडीपी में से 40-50% उड़ जाएगा जी। ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये इसका रिप्लेसमेंट ढूंढे बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे जी। और ये एक चीज़ ऐसी है जो एनवायरनमेंट को नुकसान किए बिना मिलती है जी। आज मुझे आयरन चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, टिन चाहिए, जो भी चाहिए, मुझे माइनिंग करना पड़ेगा, जंगल नष्ट करने पड़ेंगे, पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे, तो ये एनवायरनमेंट का डैमेज नहीं है जी। जी, जो चीज़ आपको बाय प्रोडक्ट की तरह मिल रही है, मतलब आप क्रूड तो निकालोगे ही निकालोगे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो क्रूड का तो ये बाय प्रोडक्ट हुआ, ये कोई माइनिंग किए बिना आपको प्रोडक्ट मिल रही है जो हर एक चीज़ को रिप्लेस कर रही है, आप समझे? मतलब जी जी। आज ऑटोमोटिव की एवरेज बढ़ी है क्योंकि प्लास्टिक आया है, रेलवे ने उसका इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन आधे से ज़्यादा कम कर दिया क्योंकि प्लास्टिक आया है, और ये सेफ भी है। एक्सीडेंट में जो पहले लोखंड की वजह से लोग मरते थे, आज प्लास्टिक की वजह से नहीं मर रहे हैं। सेफ्टी बैग जो है वो भी प्लास्टिक है, आपके सरहद पे खड़ा हुआ जवान जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है वो भी प्लास्टिक है, वो जिस ठंड में खड़ा रहता है वो भी प्लास्टिक है, उसके शूज़ भी प्लास्टिक है, तो क्या बन करोगे आप? जी जी सर, गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहेंगे एज ए IPI गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन? मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सोच समझ के डिसीजन लीजिए। हाँ,
लिटरिंग बंद करने की जिम्मेदारी हर एक आदमी की है, वो अगर बंद हो जाएगा तो आपको प्लास्टिक कहीं प्रॉब्लमेटिक लगेगा भी नहीं। ओके, कुछ चीज़ें जो है वो आपको बंद करनी है कर दीजिए, दैट इज़ हार्डली 0.1% ऑफ द बिजनेस। कैरी बैग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप जहाँ पे भी फ़ोटो दिखाते हो गाय खा रही है या जंगलों में हरण खा रहा है, ओके, वो कैरी बैग किसी ने फेंकी है जी, उसमें प्लास्टिक का दोष नहीं है, फेंकने वाले का दोष है जी। सो सोच समझ के डिसीजन लीजिए। बहुत सारे घर और बहुत सारी एमएसए, हजारों, आई मीन आई विल टेल यू ऑलमोस्ट 70-80,000 एमएसएमई सिर्फ प्लास्टिक का धंधा करती है जी, जो कम से कम एटलीस्ट 10 लोगों को भी एम्प्लॉय कर रहे, तो 7-10 लाख घर चल रहे हैं जी, क्या उससे ज़्यादा चल रहे होंगे? बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो अल्टरनेटिव ढूंढिए, नहीं है तो फिर प्लास्टिक को प्रॉपर मॉनिटर करके आप सब्स्टिट्यूट, निकलता है तो ठीक है, नथिंग लाइक इट, पर नहीं निकलता है तो उसकी कार्बन फुटप्रिंट ढूंढिए कि भाई ये बन कागज़ में जाता हूँ तो कागज़ में मेरे को पानी कितना चाहिए, बिजली कितनी चाहिए, जंगल भी तो कटने हैं कागज़ बनाना है, तो कुछ तो अल्टरनेटिव होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लास्ट क्वेश्चन है, जो न्यू जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में और जो जितने भी लोग आ रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? न्यू जनरेशन से यही कहूँगा कि मैं, देखिए आप एक गोल्डन पीरियड में जन्म ले चुके हो, आपकी अपॉर्चुनिटीज ट्रिमेंडस है। दो चीज़ें आप ध्यान रखिए, ईमानदार रहिए अपने आप से और जम के मेहनत करिए, आपका ग्रोथ कहीं नहीं गया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू जी।